हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए आईटीसी का शेयर। आईटीसी बहुत बड़ा प्लेयर मैं कहूँगा इसको। कितना बड़ा प्लेयर है ये तो आप इस प्रॉफिट से ही लगा सकते हो कि एक क्वार्टर में 3436 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और ये स्टॉक काफ़ी अभी के टाइम पे काफ़ी सस्ते में और अपने सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। और ये रिजल्ट जो है आज मार्केट आवर अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया ही है, और मैं कहूँगा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का मौका। ऐसा शेयर कम से कम रिस्क वाला और रिटर्न भी बढ़िया देने वाला शेयर, इससे बढ़िया बहुत कम शेयर्स ऐसे होते हैं जो इतने बड़े लेवल पे इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आईटीसी के शेयर की चप्पा चप्पा छानते हैं, आईटीसी के शेयर के रिजल्ट का टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीज़ें जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे फंडामेंटल से। आईटीसी इतना बड़ा प्लेयर, आप देखिए 3,24,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 264 का प्राइस, पी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव, डेट फ्री शेयर, हर तरीके से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, सेल्स ग्रोथ इतना बड़ा शेयर होने के बाद भी 7-7.5% का बढ़िया डिविडेंड देता है। नो डाउट हर तरीके से मुझे तो ये बेहतरीन स्टॉक लगता है। जब ये स्टॉक आता है 250 से 270 की रेंज में और अट्रैक्टिव हो जाता है ये शेयर। ऊपर जरूर जाता है, फिर करेक्शन आता है, फिर ऊपर जरूर जाता है, तो बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक मुझे लगता है। आपको यकीन नहीं होगा ये कितना प्रॉफिट कमाता है। देखिए 2385 करोड़ का प्रॉफिट जून 2016, जून 2017 में 2560 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2018 2819 करोड़ का प्रॉफिट, अब क्या आ गया जून 2019, और वो रिजल्ट देखेंगे अभी। उससे पहले आप ईयरली देखें, मार्च 2018 में मात्र 3000 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, और मार्च 2018 अभी फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है तो 12000 करोड़ का प्रॉफिट। कितना बढ़िया बेहतरीन प्रॉफिट। अब बात करते हैं रिजल्ट की। आज इसका रिजल्ट आया है, आज की डेट 2 अगस्त 2019, रिजल्ट अभी 7:45 के आसपास अपलोड हुआ है, और अभी के टाइम पे जबरदस्त 6:30 जो मीटिंग खत्म हुई थी, लेटेस्ट रिजल्ट ये मान के चलिए। और रिजल्ट कैसा रहा स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर सीधे प्रॉफिट के ऊपर लेके जाऊँ आपको, ये देखिए सबसे पहले हम देखें क्या कंसोलिडेटेड रिजल्ट। प्रॉफिट से पहले टोटल इनकम देखते हैं, तो टोटल इनकम 13,305 करोड़ की दिखाई है इस क्वार्टर में, 13,305 करोड़, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में 12,306 करोड़ की थी। यानी कि टोटल 1000 करोड़ का टोटल इनकम में जंप पिछले साल के कंपैरिजन में, बहुत ही बढ़िया। और अगर यही चीज़ हम देखें यहाँ पे लास्ट क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में 13,902 करोड़ थी ये टोटल इनकम, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़िया जंप। अब अगर हम बात करें, देखिए इनकम होती है, फिर एक्सपेंसेस होते हैं, फिर निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं सीधे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भाई कितना प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये अपने पास 3,436 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल जून में था 3,050 करोड़ का, तो बढ़िया मुझे तो जंप लगा। ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास का ये जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में, बेहतरीन मैं कहूँगा इसको। लेकिन मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा कम दिखाई दिया है। मार्च क्वार्टर में ये प्रॉफिट 3,592 करोड़ था, लेकिन क्वार्टर ईयरली बेसिस पे बहुत ही बढ़िया। ये तो रहा आपके पास टोटल जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो स्टैंड अलोन बेसिस पे कितना प्रॉफिट कमाया है, कितनी टोटल इनकम हुई है। टोटल इनकम तो इस बार स्टैंड अलोन बेसिस पे कितनी हुई ओवरऑल देखिए, टोटल प्रॉफिट ये देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 3,173 करोड़ का है, जो कि पिछले जून में 2,818 करोड़ का, बढ़िया जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। बहुत बढ़िया भाई, इतना बड़ा प्रॉफिट कमाता है ये शेयर। और यही चीज़ अगर हम टोटल इनकम की देखें, टोटल इनकम देखिए 12,122 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुई है, जो कि पिछले साल जून में 11,278 करोड़ थी, ये स्टैंड अलोन बेसिस पे है। और साथ में अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए, अब आप कहोगे यार सेगमेंट वाइज भी देख बताइए, देखिए आईटीसी के बहुत सारे सेगमेंट पे ये काम करता है। अब इस चीज़ को आप क्लियर देखिए, आईटीसी के सेगमेंट जैसे कि आपने देखा सिगरेट का है, एफएमसीजी में सिगरेट का है, अदर सेगमेंट है। तो मुझे सबसे इंप्रेसिव चीज़ क्या लगी है, यहाँ पे सिगरेट का भी पिछले साल के कंपैरिजन में रिवेन्यू बढ़ा है। 5,127 करोड़ का रिवेन्यू जो पिछले साल था जून में, इस बार 5,433 करोड़ हो गया है। और अदर एफएमसीजी सेगमेंट का 2,870 करोड़ से बढ़ के 3,060 करोड़, बहुत ही बढ़िया। अगर ओवरऑल एफएमसीजी सेगमेंट की बात करें तो 7,997 करोड़ से पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ अभी, ये बढ़ के 8,493 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल ये मान के चलिए कि 500 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करें होटल सेगमेंट की, तो होटल सेगमेंट में 341 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 392 करोड़ हुआ है। एग्री बिजनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईटीसी का, तो एग्री बिजनेस भी 3,151 करोड़ से बढ़ के 3,600 करोड़ के आसपास गया है।
पेपर बिजनेस में भी अच्छा खासा उछाल जंप मारा है इसने, 1355 करोड़ से 1527 करोड़ गया। टोटल अगर आप देखें रिवेन्यू 12846 करोड़ से सीधे ये बढ़ के 14024 करोड़ तक गया है, बहुत ही बढ़िया। ग्रॉस रिवेन्यू की बात करें तो आप देख लें क्लियरली किस तरीके से बढ़ा हुआ है। आपने FMCG सेगमेंट देखा और यहाँ पे जिसमें जो मेन जो रिजल्ट है FMCG सिगरेट, इसका मेजर वॉल्यूम होता है यहाँ पे, सिगरेट बहुत बड़ा सेक्टर होता है। तो प्रॉफिट को अगर देखा जाए, बांटा जाए, देखिए आप किस तरीके से टोटल एसेट्स इसके हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप, जहाँ पे FMCG सेगमेंट में अच्छा उछाल देखने को मिल रखा है, और होटल्स एंड ऑल आप देखिए, मतलब हर सेगमेंट में कमाई करके छोड़ी है ITC ने। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपने देख लिया ITC का डिटेल, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ITC जहाँ हम कह रहे थे सपोर्ट लेवल पर आ रखा है, तो आप क्लियरली देखिए कितने बढ़िया लेवल पर एंट्री का मौका आपको दे रहा है ITC। ITC का शेयर अभी के टाइम पे वीकली चार्ट अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल अपने सपोर्ट की जो लाइन है 264 के आसपास, उसके आसपास है। और ट्रेंड अगर RSI के बेसिस पे देखूँ तो RSI थोड़ा डाउन जरूर देखने को मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि बियरिश फेज में जाएगा, लेकिन मंडे को ये यहाँ पे रिकवरी मोड में आ सकता है RSI, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बनता है कि RSI रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा और यहाँ पे शेयर उछाल जरूर आ सकता है। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में ये ऑलमोस्ट 10% के आसपास की आप इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, बढ़िया शेयर है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहते हो तो देखिए किस तरीके से इसने रिटर्न दिए हैं, थोड़ा स्लो रिटर्न जरूर लगेंगे लेकिन बहुत ही बढ़िया। ये देखिए एक टाइम पे ये शेयर ₹50 के आसपास था, मैं दिसंबर 2008 की बात करता हूँ, और डिविडेंड आपको यकीन नहीं होगा, ये बढ़िया डिविडेंड देता है स्टॉक, हर साल मई के महीने में डिविडेंड अनाउंस करता है, देखिए उसी टाइम पे डिविडेंड ये दे भी देता है मई या जून तक। क्लियरली देखिए डिविडेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, देखिए ₹5.75, ₹5.15, ₹4.75, पिछले 3 साल का आप डिविडेंड देखिए, बढ़िया डिविडेंड, इसीलिए इसका डिविडेंड यील्ड आपने देखा 2.17% तक का डिविडेंड यील्ड है। अब इस स्टॉक की अगर और डिटेल देखी जाए, यहाँ की बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे LIC, आपको यकीन नहीं होगा तो यकीन मानिए 200 करोड़ शेयर्स ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास के शेयर्स जो है LIC इन्वेस्टेड है, यानी कि 16-17%। आप ही मान के चलिए कि जो ITC है वो LIC की मेजर कंपनी है, देखिए बहुत बड़ा शेयर होल्डर LIC ITC के अंदर है। और भी बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 18 करोड़ शेयर्स हैं, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 13 करोड़ शेयर्स हैं। तो इसी तरीके से और भी बड़े बड़े शेयर होल्डर, देखिए टोबैको मैन्युफैक्चरर इंडिया लिमिटेड जो है इसके मेजर शेयर होल्डर है, यहाँ पे इसके 24% शेयर होल्डिंग है, यानी कि 297 करोड़ शेयर्स इसके हैं। और ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी तो सेफ बैठे देखती हैं, तो भाई वो ITC में क्यों ना इन्वेस्ट करे। चलिए ये तो आपने देखा ITC की डिटेल, अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे और थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में, देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये शेयर बिल्कुल निचले लेवल पर है, 309 का हाई टच करने के बाद बिल्कुल सपोर्ट के पास आया है, सपोर्ट के पास से बाउंस बैक, पिछले 2 दिन में इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और शेयर 270 से नीचे आ धमका, लेकिन अब यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिवाइवल हो सकता है, बढ़िया वाला रिवाइवल हो सकता है। अगर मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में आऊँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम में आऊँ, तो मुझे ये देखिए ये डेट 22 जुलाई की थी और आज की डेट अगस्त में, बिल्कुल ऑलमोस्ट सपोर्ट के बाद यहाँ पे लास्ट के 4 घंटे में इनडिसीजन बना है, और ये इनडिसीजन, और आपने देखा भाई रिजल्ट बढ़िया आया है, तो ये इनडिसीजन आपको पॉजिटिविटी में लेके जा सकता है और यहाँ से शेयर में जंप आ सकता है। थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो देखिए लास्ट के टाइम पे बढ़िया यहाँ पे हल्का सा वॉल्यूम भी देखने को मिला है, पिछले कुछ घंटों में जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन अब भाई अब टाइम आ गया शेयर के उड़ने का, उम्मीद पूरी लगाई जा रही है। लेकिन मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं, आपने पिछला पूरा हफ्ता देखा किस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स ने बिल्कुल गिरावट में की मार झेली, लेकिन अभी थोड़ा पॉजिटिविटी आनी बाकी है। मैं कहूँगा कि थोड़ा निराश मत होइए और ऐसे रिस्क फ्री शेयर, ये ITC जैसे शेयर अगर आपको इतने सस्ते दामों में मिलते हैं तो ये बढ़िया शेयर्स हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हो तो, क्योंकि ये शेयर आपको नो डाउट हर साल का 15-20% तक का रिटर्न निकाल के देते हैं अगर आपने कम लेवल पे बाइंग किया तो। मैं तो ITC के अगर शेयर को देखता हूँ अभी के टाइम पे, तो मुझे ये 250 से लेके 270 की रेंज, इसके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है इन लेवल्स पे, अगर आप धीरे धीरे करके खरीदारी करते रहे। और अभी के टाइम पे अगर टारगेट लिया जाए तो 300 से ऊपर का आप इसमें, मतलब 10% का आप मैक्सिमम टारगेट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया शेयर है, एक फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ शेयर आप इसको कह सकते हो ITC के शेयर को। आपने रिजल्ट देखा कितना बढ़िया रिजल्ट आया, आपने इसके फंडामेंटल देखे कितने बढ़िया फंडामेंटल थे, स्टॉक का चार्ट देखा कि बिल्कुल जो ट्रेड कर रहा है बहुत ही बेहतरीन लेवल पे अभी के टाइम पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और आप आईटी के शेयर, आईटीसी के शेयर को कैसे, क्या रेट करते हो, कितना अच्छा आपको लगता है, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और रिजल्ट कैसा लगा वो भी बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।